पन्नू जी कौन सा गाना लगाऊं आपके लिए? छोड़ो कोई, मैं लाइव लाइव गाता हूँ ना, तो आप सिंगर है तो अनप्लग्ड की खास बात यही है कि हम जब हमारे दोस्तों के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ, खासकर वरिष्ठ एक्टर्स के साथ जब पूरे शहर में धड़ल्ले से घूम रहे होते हैं, तो लाइव गाना सुनने का जो मौका मिलता है वो किसे मिलेगा? क्यों पन्नू जी? प्लीज सर, दो दो अल्फाज हमारे दर्शकों के लिए। एक प्रिल्यूड मैं सुनाता हूँ, मतलब गाने से पहले जो अलाप रहता है, मुझे उम्मीद है कि आप जजमेंट कर लेंगे गाना क्या है। आप जज कीजिए, आपको भी काम पे लगाता हूँ। आप बताइए ये कौन सा गीत है? आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान सॉरी सड़क पे था। मैं सोच रहा था सेक्टर में अगले में टॉप जाता तो शूटिंग लोकेशन से ही हट जाते हम। चलो गाइस, सी यू इन द एपिसोड। You are watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. आज खाने में क्या खाया? क्यों? स्मेल आ रही है? नहीं नहीं, मैं साउंड ही चेक कर रहा था इस बहाने। बस ठीक है। हाँ, फोन का कुछ बता रहे थे सर। जब मैं कह रहा था कि साइलेंट कर दो, फोन आ जाएगा बीच में। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि मेरे को तो फ़ोन आएगा नहीं, आपका बीच में फ़ोन आता रहेगा तो आप अटेंड करते रहेंगे। नहीं, पर आपको फ़ोन क्यों नहीं आते? सच बता दो, सच बता दो। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि कोई बिजी होगा इसलिए मैं फ़ोन नहीं करता। हाँ, अब जब मैं फ़ोन नहीं करता तो रिवेंज में लोग मुझे फ़ोन नहीं करते। वो सोचते हैं कि पता नहीं कुछ मतलब एरोगेंट हूँ या कुछ ऐसा। हाँ, तो बोले मतलब बोले भी क्या, फोन ही नहीं करते। अब देख लेना बैठे हैं तो फोन नहीं आएगा। आज सुबह से आपने देखो फोन लेट कर दिया ना, फिर भी मैंने फोन नहीं किया कि भाई आ रहे हो कि नहीं। ये ऐसा सोचता रहता हूँ मैं कि चलो काम कर रहा हूँ। पन्नू जी ऑन कैमरा ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने पन्नू जी को फोन नहीं किया, और या मैं और दूसरा मैंने लेट फोन किया, तो दोनों चीजें इन्होंने इकट्ठी एक ही सेंटेंस में बोल दी। ये उमदा कलाकार की क्वालिटी होती है। पन्नू जी लोग क्यों नहीं फोन करते? लोग डरते हैं आपसे? अरे नहीं, वही मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनको रहता है कि मैं फोन नहीं करता। मैं इसलिए नहीं फोन करता कि बहुत जरूरी होगा तो करेंगे ना। अब जैसे कोई कोई फ्री तो बैठा नहीं मेरे लिए, है ना। और जब भी कभी फोन करते हैं, कोई ड्राइव कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो मैं थोड़ा गुरेज कर लेता हूँ कि चलो यार क्यों तंग करना, बहुत जरूरी होगा तब कर लेंगे। बहुत जरूरी जिंदगी में होता ही कुछ नहीं। हम कौन सा वो अफगानिस्तान पे है ना मिलिट्री छोड़ के आए हैं, उसका पूछना है कि क्या है ना। सर आपको लोग फोन करके ये नहीं कहते कि पन्नू जी मेरे पास रोल है या ये मेरे पास स्क्रिप्ट आई है? कैसा कैसा लोग जो फोन करते हैं आपको, या अप्रोच कैसे करते हैं लोग काम के लिए? तब तो होता है जैसे अभी अभी वो डबिंग वाले का आया था ना। हाँ, वो क्राइम पेट्रोल का कुछ किया, उसने कहीं मेरी माइक को हाथ लग गया होगा तो साउंड बरोबर नहीं, तो उसके लिए डबिंग के लिए अभी मैसेज ही आया। हाँ, मैं सोच रहा हूँ फोन क्यों नहीं करके समझा देता कि हाँ, थोड़ा पॉज लंबे कर लेना, कुछ चेंज भी करना है या कैसा करना है। हाँ, वो ऐसे क्लिप भेज दिया कि इसको डब कर दो। अब मैं अपनी मर्जी से फिर कर दिया उसको, वो कर दिया और क्या, मतलब फोन फिर भी नहीं हुआ। हालांकि मेरी डबिंग बॉम्बे चली गई क्राइम पेट्रोल में, फोन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं किया। देखो वो भी बिजी होगा, मैं तो यहाँ पंजाब में फ्री में बिजी हूँ, वो तो चलो मारा मारी है मुंबई में तो। पन्नू जी ये कितना जरूरी है किसी कलाकार के लिए बहुत ज्यादा बिजी होना और दूसरा थोड़ा सा अपने लिए टाइम लेके रखना? देखिए इस मामले में एक वो कहते हैं ना, मेरे लिए तो सत्य है वो फिलॉसफी है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है कि बड़ा फिलोसोफर बना फिरता है, मतलब फिलोसफी का भी मजाक उड़ाते हैं। मेरे लिए तो सत्य है फिलोसफी, तो फिलोसफी के अकॉर्डिंग या मेरे पन्नू इज्म के अकॉर्डिंग पन्नू इज्म के आदमी को सिर्फ अपने लिए ही समय चाहिए होना चाहिए। अब ये शौक
है फिल्मों का, तो थोड़ा बहुत 2-4% फिल्मों को देना चाहता हूँ मैं, लेकिन फिर भी ग्रेजुएशन मेरे 20 साल ले गई, 15 साल में ग्रेजुएशन कोई भी करता है, तो इतनी सी पढ़ाई 20-25 हज़ार की जॉब मिले ना मिले उसके लिए 20-25 साल, तो बचपन कितना ले गया, बुढ़ापा और बीमारियां, सोना कितना ले गया, सोते रहते हैं ना वो सोना नहीं, तो मुश्किल से वक्त है, वो भी हम कहीं और लगा दें, पता नहीं वो कई लोग कहते हैं ना कि थोड़ा फ्री टाइम है यार कहाँ चलें, अरे इसमें भी फ्री है टाइम, मतलब बचपन बुढ़ापा वो तो ऐसे उलझुल ही होता है, और सोना आधा डॉक्टर कहता है कम से कम 8 घंटे सो, तो जिए कब, और जब जिए उसमें चलो पहाड़ पे घूम गया, अरे अंदर घूम लेना अपने आप को, तो जान ले तू तू कहाँ घूम रहा है। अब कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि तू अर्थ का ही था या बृहस्पति का था, कहीं दूसरी जगह तो नहीं घूम रहा, ऐसे जैसे पहाड़ों पे कोई सोचे कि यार ये पंजाब का इतना लंबा, शिमला का तो हो नहीं सकता जी। तो मैं सोचता हूँ कि 99% खुद के लिए ही समय चाहिए जी। मैंने ये भी देखा, जितने भी आपके एपिसोड देखे, आपकी आवाज का लेवल अच्छा होता है हाँ। और जो मेरे जैसा बैठता है आके उसकी आवाज कम आती है, मैंने सुना ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अच्छा। में बराबर माइक लगे हुए अच्छा। और बस थोड़े साथ वाले में को थोड़ा आवाज में बढ़ावा देना चाहिए हाँ। मेरी शायद प्रैक्टिस ज्यादा हो गई क्योंकि मैंने एक ही सीजन के ज्यादा एपिसोड कर लिए हैं और सबने एक एक ही किए हैं, तो उस हिसाब से ये भी हो सकता है। पन्नू जी और मेरी मुलाकात हुई थी 2017 में, और तब मैं थिएटर शोज देखने आता था और उस वक्त भी मेरी फिल्में बन रही थी, तो पन्नू जी के साथ मुलाकात हुई। फिर हमने पहली दफ़ा एक इलेक्शन वोटिंग के ऊपर कैंपेन किया था जिसमें पन्नू जी हमारे साथ उंगली कैंपेन में जुड़े थे, और उसके बाद हमने 2019 में फिल्म की थी 84 एडमिटेड में भी पन्नू जी का कैमियो था, एडमिट कर लिया था हाँ, पन्नू जी का एडमिटेड में भी रोल था। और उसके बाद 2019 में पन्नू जी ने हमारे साथ मेन लीड पे फिल्म की थी 84 जो कि अभी बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है। तो पन्नू जी आपका सफ़र रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट के साथ कैसा रहा और आपने रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट को बढ़ते हुए कैसे देखा? मैंने तो फिलोसफी आई नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं एक्चुअली मैं जब इनसे जुड़ा तो मैं जब कहीं स्ट्रगल करने में ना ऑडिशन वगैरह देने जाते थे तो वहाँ एक लांबा साहब वो मिलते थे, और वो घुंघराले वाले वो कौन है अपना दूसरा नाम ले दो कोई बात नहीं, नहीं नहीं विकास मेहता, और ये दोनों बड़ी तारीफ किया करते थे कि ओजस्वी साहब तो यार ऐसे ही देख लेते हैं। मैं सोचता हूँ क्योंकि मैं मेरा पहला मतलब जो शॉट था जो भी मेरी जर्नी थी बॉम्बे से शुरू हुई थी, तो तब यहाँ होती ही नहीं थी फिल्में वो बॉर्डर टाइम की, तो वहीं से मैंने शुरू किया था, तो वहाँ रह के पृथ्वी थिएटर में रोज़ बैठ के कटिंग पी के ऐसा हो गया था कि 27 स्टेट्स हैं यार, उसमें कौन कौन किधर का हीरो है क्या है, मतलब ऐसा हो जाता है वहाँ, वो माँ है ये सब बच्चे हैं 26-27 स्टेट्स जो हैं। तो मैं जब यहाँ किसी का सुना कि ओजस्वी साहब ऐसे ही देख लेते हैं, मैं सोचा शायद मुंबई स्टफ का आदमी होगा, उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ऐसा है कि चलो बुआ का लड़का नहीं तो मासी का लड़का चल जाएगा यार, लंबा नहीं तो छोटा चल जाएगा, यहाँ तो चल ही जाता है, चलो तुम 2000 देते हो वो 5000 देता है तो चल जाएगा यार, तो क्या हुआ मूछ हुई है ना, मतलब ऐसे चला लेते हैं ऐसी ही फिल्में। मैं ये मानता हूँ कि स्टेट्स में थोड़ी कम मेहनत करते हैं, क्रिएटिव जो है जॉब वो कम रहती है, उसकी कंप्रोमाइज क्रिएटिव रहते हैं। तो मेरे मन में जिज्ञासा 3-4 बार हो गया ऐसा, ओजस्वी साहब की तारीफ की जा रहा है, तो फिर मैंने इनका नंबर लिया, फिर मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया, कई बार नहीं उपलब्ध हुए, फिर मिले कम होटल में, तो उसके बाद अब मुझे विश्वास है कि मैं सही डायरेक्टर साहब से मिला हूँ, और रोलिंग फ्रेम या जितने भी इनके कारोबार हैं वो मेरी नज़र में तो ऐसा ही है कि सब यही कर रहे हैं, इन्हीं का सब क्रिएशन है, कॉन्सेप्ट है, और उसको बिल्डअप करने का जो तरीका है और बड़ा अच्छा है। और मैं सोचता हूँ जितने भी मैंने मतलब आप समझ लो एक स्क्रीन पे बॉर्डर फिल्म 50 वीक चली थी जी। उस प्रोजेक्ट में 10-20 दिन मैं जैकी श्रॉफ के साथ ही ऐसे ही थे जी, क्योंकि थोड़े ही एक्टर थे जी, तो वहाँ भी मतलब शेड्यूल इधर उधर हो जाता था,
लेकिन इनके साथ शेड्यूल बहुत अच्छा रहता है, जैसे पूरी रात पूरा इतना काम करना है तो करते हैं, वो जो प्री प्लानिंग है इनकी वो मुझे सबसे अच्छी लगी। तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये जो भी कंपनी बना लेंगे वो आप ही की वजह से चलने वाली है और आप ही उसका फेस वैल्यू, जैसे शेयर मार्केट में मैं उसमें भी दिलचस्पी रखता हूँ, वो फेस वैल्यू एक रहती है, तो वो कंपनी यही है सब। अपना दर्शकों को पहले बताएं कि जब हमने उंगली का कैंपेन किया था तब मुझे याद है कि मैं, मेरे पास बड़ी अच्छी एक इम्पोर्टेड चाय भी आई थी, मैंने वो भी आपको याद है गिफ्ट की थी, हाँ, है ना। और हम, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था उंगली कैंपेन को शूट करने का, जब हम 15 सेक्टर की मार्केट में हमने वो शॉट दिया था, याद है ना आपको? हाँ, हाँ। कैसा रहा था वो मुझे बताओ, दर्शकों को बताओ। वो एक्चुअली मार्केट में इन्होंने लेटा दिया मुझे शराबी बना के, नंगा करके ऐसे, है ना, पैग लेके, तो कई लोग तो, और ऐसे ही साइड पे कैमरा लेके बैठे हुए हैं, तो कई लोग तो मुझे शराबी समझ के देख रहे थे कि यार ये सारा दिन में ही ऐसा है, कैसा यार हट्टा कट्टा बंदा, इसे कैसे पड़ा हुआ है, ऐसे मैं टांगे उठा के लेटा पड़ा हूँ, मतलब दर भी पड़ी है। तो कई लोग तो ऐसा, मतलब शुक्र है कि पुलिस वुलिस वाला नहीं आया, अदरवाइज कई सोचते होंगे दुकानदार के इसको उठा के लेके जाओ पुलिस वाला। तो वैसा तब जब हमने शूट कर लिया तब लोगों को पता चला कि अच्छा वो तो कैमरे वाला था उधर भाई, ये तो कोई शूटिंग थी, तो ये भी अच्छी बात है। लोगों को क्या ऐसे चर्चे, क्या काम के चर्चे हो, है ना, पहले ही चर्चे, क्या चर्चे, ये भी इनकी ही नहीं की तारीफ की बात है। और कैंपेन जब देखा तो कैसा उठ गया है आपने, मैं जानना चाहता हूँ एज द एक्टर, एज द एक्टर कलाकार, आपने जब अपना काम टीवी पे देखा, क्योंकि वो स्क्रीन वाला काम, देखिए स्क्रीन नहीं, मैं कहता हम तो स्क्रीन ही देखते हैं अभी भी, जहाँ बैठे हैं इट्स अ थिएटर, ओपन थिएटर, और आगे हमारे स्क्रीन ही है, तो अभी हम पर्दे पे देखें, अब चाहे अब हम इस पे देखें कैंपेन्स, अब जो हमारे एड्स फिल्में, बहुत सारे लोग इसी पे ही देख रहे हैं, तो जब आपने इसको स्क्रीन पे देखा तो आपको कैसा लगा कि उंगली कैंपेन कैसे उठ गया है? बहुत अच्छा था, मतलब मैं, जैसी मेरी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशंस थे, उससे कहीं अच्छा था वो एड, और उतना ही था। मैं ये चाहता हूँ कि मैं, मतलब मेरा जो करेक्टर है वो कहीं ज़्यादा ना हो। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे लीड मिले, लंबा हो जाए, ऐसा ना, मुझे ज़्यादा ना मिले, ज़्यादा इन एक्सेस थिंग्स आर ऑल्सो डेंजरस, तो वो भी नहीं चाहिए मुझे, तो मतलब ऐसे बड़ी चाहिए ज़िंदगी, लंबी नहीं, मतलब कोई एक काम कर दूँ उसके बाद मैं ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। मैं उन लोगों मतलब में से, मतलब पन्नू जी उन लोगों में से हैं कि जब मैं, हम उन्हें नरेट करते हैं उनका कैरेक्टर, तो पन्नू जी वांट्स टू नो कि उनके कैरेक्टर की डेप्थ क्या है, मतलब एक वर्टिकल है वो ऊपर और नीचे, वो ना स्पिल करे, ना वो किसी का स्क्रीन टाइम कवर करें, और yes. ना वो पूरा और सीज कर लें, कि जब भी आप एक कलाकार को देखें तो आपको वो कलाकार अपनी, अपने ढांचे में ही आपको याद रहे। जैसे कि एक विलन है वो कभी हीरो का स्क्रीन टाइम नहीं लेता, या हर एक कैरेक्टर की अपनी, अपना अपना एक पिलर होता है एक पूरी फिल्म में, तो ये बहुत जायज़ सवाल है। तो पन्नू जी जब हम 84 भी आए तो 84 का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं उसको बांटूंगा नरेशन में, जब हमने पहली दफ़ा फिल्म आपके साथ नरेट की, उसका अनुभव आप ज़रूर हमारे दर्शकों से शेयर करें, और उसके बाद जब हम फिल्म शूट करने गए, फिर जब फिल्म डबिंग पे गई, जब नेक्स्ट टाइम एज एन आर्टिस्ट आपको कॉल किया जाता है टू री रिकॉर्ड द होल फिल्म, और फिर फिल्म का प्रीमियर जब, पहले तो लॉस एंजलिस हुआ ही था, उसके बाद जब हम उसे चंडीगढ़ लेके आए और आप रेड कारपेट पे आए और आपने सबके साथ उसको, फिल्म को देखा, तो ये चार अनुभव जो हैं ये हम दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। एक्सपीरियंस ऐसा था कि पता नहीं था कि, अब तो मुझे पता है कि 84 बड़ी मेरे दिल से जुड़ी हुई फिल्म है, और वैसे भी 84 की सारी बातें एज ह्यूमन बीइंग और पंजाबी और ये सब बहुत बहुत, मतलब मेरे ब्लड की बात है वो। आप पंजाबी में भी बात कर सकते हो? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं, जे करना चाहते हैं पंजाबी जे भी कर सकते हैं। मैं एक्चुअली किसी एक स्टेट को टारगेट क्यों करूं, मुझे अच्छा ये भी बता दो, ठीक है, मतलब स्टेट के सारे क्यों ना समझे, कोई बात अगर आपको लगता है कि पंजाबी में ही जायज हो तो आप उसको करें। एक्चुअली चंगी भाषा मेरी मदर टंग तो हैगी है पंजाबी, मैं उहदे च बहुत कंफर्टेबल हाँ,
पर जे मैं राजस्थानी नूं वी गल समझाउणी है इस करके मैं चाहना भी पूरा हिंदुस्तान मेरी गल समझ सके। बिल्कुल, फिर हम हिंदी में। मैं यूट्यूब पे एक चैनल चला रहा हाँ। वो इंडिया तो बाद वो मेरा चैनल है म्यूजिक का। मैं म्यूजिक नाल बीए कीते है तो म्यूजिक दे 60 वीडियो 100 वीडियो पाए हुए ते उदे च ये डिमांड आ रही है भी वीडियो मैं हिंदी में था वो वीडियो सारी 100 वीडियो ते उदे च डिमांड आ रही है भी इनू इंग्लिश च कर दो वीडियो तुहाडा बहुत वधिया है ये वीडियो इज गुड प्लीज मेक इट इन इंग्लिश। उहदा मतलब यह है भी दूजे कंट्री भी देख सकन तो भाषा का यह है भी वह फिर उन्हें बैरियर जहा हो जाता है भी इत्थे तक ही आपां गल कर सकते हैं। हुण ही मैनूं ऐ लगण लग गया भी आपां तां इत्थे ट्राई सिटी दे नेड़े तेड़े दी कोई गल है ना ना ना। हुण मैं मेरे महाराष्ट्र वाले दोस्त जिथे मैं शुरू किया सी ओह किद्दां समझणगे एग्जैक्टली ते है ना। फिर हम हिंदी में अवस्थी होणी गोस्वामी होणी ओह बोले तो जो कटिंग मार के पीते हैं उन्हां नूं किद्दां पता लगूगा। दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग घट्टो घट्ट किन्ने 140 करोड़ लोगों तो मेरी गल समझ आवे ना इस करके that's why I'm speaking. That's why actually I want to speak in English sometimes. Every time I want to speak English. पर उसके साथ ये हो जाएगा फिर ये मेरा जो एरिया है वो कम समझता है उसको क्योंकि बाहर जैसे बाहर के मुझे समझो 1 करोड़ लोग सुन लेंगे या समझ लेंगे लेकिन यहाँ का 1 अरब खतरे में पड़ जाता है मेरे लिए। तो तो फनो जी 84 पे आते हैं हाँ, वो तो उसका अनुभव कैसा रहा आपका? मुझे इन्होंने जब कॉल किया कि आ जाओ नरेशन करते हैं ऐसे तो मैं तो टाइम का बहुत पंक्चुअल है हूँ ना बिल्कुल हाँ तो मैं तो टाइम ये भी सोच के जाता हूँ कि सिग्नल अगर लंबा हो गया कोई पंक्चर भी हो गया गाड़ी को तो भी लगवा के हम टाइम पे पहुँच सकें। तो मैं जब पहुँच गया ऑफिस इनके तो ऑफिस में बहुत मारा मारी लोग आ रहे हैं जैसे अभी मैं कह रहा था फ़ोन इनका तो है ही ऐसा कि लोग घूम घूम के कोई निकल भी रहा है तो भी तो 3-4 घंटे ऐसे ही निकल गए। ऊपर से वो अपने कलाकार भी आ गए थे मिंटो तो फिर उनका तो बहुत 5-10 मिनट में ही मेरे ख्याल में आपने सुनाया था तो फिर नरेशन दोबारा फिर हुआ है ना हाँ। तो मैं तो इसीलिए यहाँ पर हूँ कि हम उनके साथ ज़्यादा रहते हैं जो हमें पसंद रहते हैं पसंद इसलिए रहते हैं कि जैसे मैं मानता हूँ कि बहुत टेक्निकल हैं ओजस्वी साहब तो ये कहीं भी कभी भी बुलाएंगे तो मैं आ जाता हूँ थोड़ा बहुत इनको भी पता चल गया कि चलो कर लेगा इतना कर सकता है या जो कर सकता है तो बस उसके बाद अच्छा नरेशन इन्होंने दिया लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था कि ये फिल्म आप देख नहीं देखी तो दोबारा मतलब देख ली तो दोबारा देखिए नहीं देखी तो ज़रूर देखिए कि 84 का एक झलक में या 15-20 मिनट में कितना बताया जा सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया इन्होंने। अच्छा लगा मुझे नरेशन वैसे भी अब तो नरेशन दें या ना दें मुझे इनके सारे प्रोजेक्ट करने ही हैं तो है ना तो मतलब जैसे अभी बाद में मुझे मैं आऊं उधर से है ना ये भिखारी बना के खड़ा कर दें सड़क पे 2 घंटे के बाद कैमरा पता चले वो मैं लोग मुझे भीख दे रहे हैं तो वो भी मुझे कबूल है अब तो क्योंकि अब मेरे से ज़्यादा प्लानिंग इनकी है तो वो उन्होंने कर लिया होगा। तो उसके बाद जब पन्नू जी ने मुझे एक बार कि सर शॉट ले लेते हैं मैंने कहा हो गया चलो नेक्स्ट सीन कह रहे हो गया खैर चलो नेक्स्ट हुआ है ना पन्नू जी से हाँ हाँ वही तो कई लोगों को देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। मैं बहुत ऐसे डायरेक्टर्स के साथ रहता हूँ जिनको कई बार ये भी बताना पड़ता है कि एक लोग सब ले लिया आपने वो कप जो था वो अकेला जो था इंसर्ट डालना पड़ेगा वो ले लिया कई बार भूल भी जाते हैं लोग लेकिन यहाँ मुझे कुछ नहीं करना पड़ता मुझे ये रहता है कि मतलब हो ही गया होगा मुझे कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। पन्नू जी जब आपने फिल्म की आप शूटिंग की बात करें जब आप सेट पे आए तो कैसा आपको लगा? हाँ वही मैं जैसे पहले कहा कि इन्होंने रात का शेड्यूल रखा हुआ था तो हर चीज़ बिल्कुल शांति से मोहल्ले में रात को हम काम कर रहे हैं इतने मज़े से सारी रात काम हुआ। कोई दूसरा होता ना उससे डबल तो नॉइज़ होता वहाँ और उनको मिलने वाले फालतू के 10-15 लोग उधर चक्कर लगाते
और मोहल्ले वाले परेशान हो जाते, पता नहीं क्या क्या तामझाम कर लेते हैं लोग। हम पता नहीं काम की बजाय, वैसे भी हम दिखावे में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वहाँ भी कर लेते हैं, तो बहुत मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं लोग। तो इनका खाना भी टाइम पे आ रहा है, स्क्रिप्ट भी टाइम पे हो रही है, हर सीन का जो टाइम इन्होंने रखा हुआ था वो भी टाइम से ही आ रहा है। कहीं गाड़ी की ज़रूरत है वो भी टाइम से आ रही है, कोई आग जला रहा है वो भी टाइम से हो रहा है, है ना। तो है ना, लगे हुए थे ना सेक ले, तो वो मेरे को भाग के आएगा, पाजी आग नहीं लग रही, आग नहीं लग रही, मैं कहा तुसी आग नहीं लग रही, तुसी बाद च जाके लाओ, तुसी मेरे सीन नो आग ना लाओ। तो बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, मैं सोच रहा था कि दूसरा दिन भी जाएगा, आधा दिन निकल जाएगा, लेकिन मेरे समझने से 2 घंटे पहले इन्होंने मुझे फ्री कर दिया और मैं गाड़ी लेके निकल गया बहुत टाइम से, और ये भी सही टाइम से, आप भी सही टाइम से निकल गए थे। सुबह नहीं, एक्चुअली मेरा शेड्यूल था, बट मेरी कोशिश ये थी कि मेरे सारे आर्टिस्ट कंफर्टेबल रहें, और क्योंकि बहुत लेडीज़ भी थी, यू नो मधु मैम भी थे और काफ़ी लोग थे, तो हम लोग वहाँ से जब वो सीन हमने कंप्लीट किया तो उसके बाद वहाँ से चले गए। तो सबको टाइम से फ्री करने की भी हमारी एक अहम जिम्मेदारी रहती है कि समय से सबको फ्री किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्होंने इनके साथ काम नहीं किया वो ट्राई करके देखो, ताकि पता चल जाए कि क्वालिटी वर्क भी कुछ लोग करते हैं और समझते हैं, कंसीव करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। कई लोग फिल्में देखना जानते हैं, उनका एग्जीक्यूशन नहीं जानते, कि देखते रहते हैं कि ये हो गया ये हो गया, बहुत अच्छी फिल्म है, जब वो करने लगते हैं ना तो उनको ध्यान नहीं रहता कि यहाँ से लिया जाए फेस, यहाँ से लिया जाए या यहाँ से, कई तो यहाँ से ही लेते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ एक्सप्रेशन भी नहीं लेते हैं, चलो वो भी ठीक है किसी दूसरे का एक्सप्रेशन तो ऐसा भी रहता है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्निकली और जो फिल्मों से जुड़े हुए सारे शोबे हैं उनसे अच्छे से वाकफ हैं। सबसे पहले ही है जब एपिसोड आपके सारे फ्रेटर्निटी के यार दोस्त वेली सब देखेंगे, तो सबसे पहला फ़ोन या मैसेज आपको किसका आएगा, आपको किसकी उम्मीद है? 5 लोग भी गिना सकते हो आप, किस किस का फोन आएगा? फोन तो बहुत के आ सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा ना कि मुझे भी फोन बहुत लोग कम करते हैं, पर ज़्यादातर जब भी कोई फ़ोन करेंगे, मान लो चलो गलती से आ गए, डर के मारे नहीं करते लोगों को, मुझे पता है सर हड़का देते जी जान, नहीं, 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 नहीं। मुझे पता है इनका एक्चुअली। तो एक्चुअली रंजीत पन्नू साहब के साथ ना बहुत लोगों की दूरी भी उतनी है, नज़दीकी भी उतनी, इज्जत भी उतनी है, तो थोड़ा ना लोग सोच के फ़ोन करते हैं कि सिर्फ शुगर लगाने के लिए फ़ोन नहीं कर लेना होता। ये मैं चाहता भी हूँ, हाँ, कि जैसे लोगों की ना आदत होती है कि और साहब क्या चल रहा है और क्या चल रहा है, वो हो सकता है वो इंटरनल वर्क कर रहे हों, वो सेल्फ बिल्डिंग पे काम कर रहे हों, उस वक्त रीडिंग कर रहे हों, कोई कैरेक्टर की प्रिपरेशन में हों, तो वो चीज़ ना डिस्टर्ब कर देती है आपको। लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको कॉल किया, आपने उनका फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है आप, मैं मानता हूँ कि साहब फ़ोन हमने अपने लिए रखा है, है ना। अगर मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मैंने हमारे एक पुराने डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन सर को फ़ोन किया, कह रहे ओजस्वी अभी ना मैं मानसिक स्थिति में नहीं हूँ कि मैं किससे बात करूँ। मैंने पूछा सर तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है, लेकिन इस क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया वो एक बुक लिख रहे हैं, तो जब वो कुछ लिख रहे हैं ना तो वो बहुत लोगों से नहीं इंटरेक्ट करना चाहते उस टाइम, क्योंकि वो उस वक्त एक फ्रेम ऑफ माइंड में है। और अगर उन्होंने किसी की कोई दुख दर्द सुन लिया, कोई दुविधा सुन ली, या किसी ने कुछ बता दिया, तो वो इंटरफेयर कर जाएगा अब उनके प्रोसेस फ्लो में। तो सर जब फिल्म लगी 84 आप प्रीमियर पे आए, तो आपको कैसा लगा ये बताएं? बहुत अच्छा लगा। अब देखो मैं बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में, मेरे छोटे छोटे रोल हैं, तो ये ठीक ठाक फिल्म, अच्छी फिल्म, उसमें मेरा लीड रोल, और तो फिर हम तो स्पॉट में रहेंगे ना, लाइट में, स्पॉट लाइट में। तो मैं पहली बार ही रेड कारपेट था, सुनते थे है ना, कभी देखते रहते थे कि कभी मौका मिलेगा, तो इन्होंने मौका दिया, मैं फर्स्ट टाइम रेड कारपेट पे, ऐसा ही लग रहा था जैसे स्टेज पे पहले दिन हाथ पांव कांप रहे थे, तो वैसा ही था कि बहुत खुशी थी और थोड़ा सोच भी रहे थे, जी भी रहे थे कि मैं अब कदम उठा रहा हूँ, ये वहाँ तक है या ख़त्म हो जाएगा रेड कारपेट, मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जो चल रहा है उसके साथ जीने वाले, थोड़े से एंग्शियस थे, नर्वस भी थे।
आप सोचिए कि इतने बड़े कलाकार भी नर्वस हो सकते हैं। हाँ, मैं मेरा जो नर्वसनेस है वो इम्प्रूव करने के लिए है कि मैं नर्वस होता हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, है ना। सर, जब आप बैठे, जब पहला फ्रेम खुला था, तब आपके मन में क्या चलता था? आपके साथ आसपास कौन बैठा था? क्या पल था वो? क्या बात थी वो? और एंड खत्म होने के बाद मतलब वो पूरा पूरा बताओ कैसा रहा वो, क्या याद है आपके मन में उसकी? एक तो देखो, सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे और काफ़ी सीरियस फिल्म है, बहुत सीरियस भी थे, कई लोग तो रो भी रहे थे, मतलब आंसू आंखें नम। तो मैं और मेरे दिमाग में, मैं काफ़ी हद तक, चाहे खुद की फिल्म है, मैं किसी भी फिल्म में खो ही जाता हूँ, किसी भी म्यूज़िक में मैं उसी का हो जाता हूँ, और ये मेरे साथ हो जाता है। और मेरे साथ उस दिन ये भी हो रहा था कि ये सीन करते वक्त ऐसा हुआ था, जसवी साहब ने ऐसा किया था, वैसा वो भी चल रहा था ट्रैक मेरे दिमाग में, उस शूटिंग के भी, है ना, जो लहरें जो कहते हैं ना वो भी चल रही थी। वो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा था, इवन किसी भी और प्रोजेक्ट से, क्योंकि मैं ही उसमें लीड में था, मैं ही रेड कार्पेट पे आया, मैं ही स्क्रीन पे हूँ, है ना। तो सब लोग मेरे को ही देख रहे हैं, हम दो तीन लोग जो लीड के थे सब उन्हीं को पसंद भी कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि वहाँ मेरा एक पीक पॉइंट है, लोगों ने नोट कर लिया तो मैं भी खुश हूँ। तो लोग नोट भी कर रहे थे, जुड़ भी रहे थे, उन सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स को पकड़ भी रहे थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरी ज़िंदगी में एक ही बार ये आया है, और थैंक्स टू दिस वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। तो उसके बाद स्टेज पे चढ़ना सर, आफ्टर द फिल्म, वो कैसा रहा? हाँ, स्टेज पे तालियां, है ना, अप्लॉस, और इनकी एंकरिंग, वो भी स्पेशल था, हर चीज़ उस दिन स्पेशल थी। लीड करेक्टर थे तो अच्छी फिल्म थी। फिल्म के बारे में, 84 के बारे में आप सोच लो कि उसको अगर कोई अच्छे से करे तो क्या हो सकता है। वो सब्जेक्ट अपने आप में मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और वो अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था इनकी वजह से। तो उस दिन मुझे मतलब हीरो टाइप फील हुआ मुझे जैसे हम कहते हैं कि अच्छा एक्टर यार, मैं कभी मैंने महसूस नहीं किया कि मैं कोई अच्छा एक्टर हूँ, है ना, किसान का बेटा हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत लगातार सीख रहा हूँ, है ना। अब फादर अगर इसी काम में होते तो शायद ज़्यादा आता, अब फादर किसान है तो किसानी में ऐसे ही कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सीखना पड़ता है। तो कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं होता कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, अच्छा बनूँगा, ये सपना है। लेकिन उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, और आप यकीन कीजिए, आप अच्छे एक्टर हैं या नहीं, कोई अच्छा टेक्नीशियन या अच्छा डायरेक्टर आपको अच्छा दिखा भी सकता है। उस दिन ये भी था मेरे साथ कि मुझे दिखाने वाले ने भी अच्छा दिखा दिया, वो जो मेरी बुराइयाँ थी उन पर पर्दा डाल दिया। मैं आपको सवाल पूछूंगा आपसे, उनका कुछों का आपने बस संक्षिप्त में जवाब देना है या हाँ या ना में जवाब देना है। अगर सेम डे आपके पास थिएटर की भी परफॉर्मेंस हो और एक फिल्म में भी आपका शेड्यूल लगा हो, आप क्या चूज़ करोगे? तो मैं सेम डे की चॉइस है तो मैं फिल्म करूँगा। आप फिल्म करोगे, ठीक है। आप पढ़ना पसंद करते हो या फिल्में देखना? फिल्में देखना। पन्नू जी ने मेरे को एक बड़ी खास बात बताई, मैं बीच में बता रहा हूँ। हम सब लोग जब लेट के टीवी देखते हैं ना, हमारा टीवी ऊपर होता है। पन्नू जी आपका कहाँ है टीवी? मेरा तो पाँव में रखा हुआ है। पाँव में रखा हुआ है। पन्नू जी ऐसे देखते हैं टीवी, हम ऐसे देखते हैं टीवी, हमारा टीवी या तो हमारी लाइन ऑफ साइट पे होता है या थोड़ा सा ऊपर होता है, पन्नू जी का नीचे है। पन्नू जी इसका लॉजिक बता लो कि लॉजिक ये है कि आप फोन को यहाँ देखते हैं, आप फोन को यहाँ नहीं देखते हैं। आपके बच्चे भी देख लो, आप बाजार में हो ना कहीं, कहीं भी हो आप देख लो, फोन का ऐसे नहीं कोई देखता, क्योंकि सीधा देखना हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, हम नजरें झुका के देखते हैं। और सबसे महंगा टिकट किसी भी स्क्रीन का, बालकनी का उसी का होता है जो ऊपर से नीचे को देखता है, और वो सबसे बड़ा है, वो ऊपर से ही नीचे को देखता है। सबसे सस्ती टिकट होती है जो सबसे आगे होती है, जहाँ पे गर्दन उठा के देखना होता है। और इतना ही नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे टीवी पे एतराज हुआ, कनाडा से भी आए थे, अमेरिका से भी आए थे, वो भी कहते हैं यहाँ क्यों रखा है भाई वही लोग जो अपने फोन को यहाँ देखते हैं वो कहते हैं मुझे,
अरे यहाँ तो गर्दन ऐसी हो गई, वो तो 10 फुट दूर है, वहां तो ऐसा है, और ऐसे भी देख सकते हैं कैसे भी देख सकते हैं, तो यहाँ स्ट्रेस रहता है, और ये छोटी छोटी बातें करके हम यहाँ थायराइड क्या सर्वाइकल वो कुछ कर लेते हैं हमारे से, बाद में पता नहीं चलता है कि क्या है। देखो कलाकार कितने प्योर होते हैं वो पूछ लेते हैं कि यहाँ थायराइड होता है या सर्वाइकल होता है, और वो हमें टेक्निकल बताते हैं यहाँ सर्वाइकल क्योंकि हो जाए पहुंच चुका हुआ है तो। वो मेरी वाइफ को हो गया, वो यहाँ रख के फोन लगी हुई है ऐसे ऐसे, तो 3-4 घंटे गेम खेलती है, वो गेम का भी चस्का रहता है, कोई मासूम था तो है नहीं, रुकने वाला रुकता नहीं है, तो गर्दन कभी मैं दबा रहा हूँ, कभी बोतल लगाई हुई है, कभी वो, लेकिन वो बात को टेक्निकली समझते नहीं है जी। देख लो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा टीवी वहाँ रखा हो। पन्नु जी नए गाने आप सुनते हैं या यू लाइक हमारे जो कंटेम्प्रेरी जो 80s 70s का जो म्यूजिक था 60s का वो आपको ज़्यादा पसंद आता है? पर्सनली अगर चॉइस हो 5 मिनट हो यही गाना सुनना हो तो आप आज का टाइम का गाना सुनना पसंद करोगे? आज का तो मैं सुनता ही नहीं हूँ, देखिए मेरे बच्चों की पसंद है, मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ एज एन आर्टिस्ट, अदरवाइज मेरे लिए अगर आप पूछो कि जो एक होता है म्यूजिक एक शोर शराबा जिन्हों पंजाबी से कहना रौड़ा रप्पा, मेरे लिए आज का जो म्यूजिक है वो रौड़ा रप्पा शोर शराबा नॉइज है, और जो संगीत वो पुराना वाला है, और उसमें क्योंकि मैं म्यूजिक का स्टूडेंट हूँ तो ज़्यादा भी बोल सकता हूँ इस बात पे जी। मतलब ये प्रकृति के कुछ नियम हैं, रात है उसका अलग राग है, राग उस समय को जो है ना वीर रस जैसे सुखविंदर गाते हैं उसका अलग है, वो युद्ध के गीत हैं है ना अब रात के गाने में इधर धड़ होगा क्या, वो रात को गा रहा है। आई थिंक आप कहना चाह रहे हो कि डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे के लिए डिफरेंट टाइम्स ऑफ द म्यूजिक बना है, और वो ध्यान रखा पुराने संगीतकारों ने जी जी जी। वो आजकल वैसे भी टाइमिंग इधर उधर हो गया, अब 12 बजे पार्टी चल रही होती है देख लो एक्चुअली आज तो दुनिया भी ऐसी हो गई। फैक्टर है जो मैंने भी कॉम्पोजिशंस में सुना है, हालांकि मैं अभी तक फिल्मों में गाने नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिल्म में मुझे गाने की नीड एज अ पर्सनली एज अ स्क्रीन राइटर मुझे नहीं फील होती कि फिल्म है मैं उसे 5 मिनट कम समय में कह दूंगा, अगर म्यूजिक की डिमांड है उस सीक्वेंस में तो डलेगा, नहीं तो वो नहीं डलेगा, सॉन्ग ब्रेक नहीं मैं लिखता तो। और बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग पे खास ध्यान रखता हूँ क्योंकि वो मूड और इमोशन के लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि आपका म्यूजिक पीछे स्कोरिंग क्या चल रही है। तो आज की डेट में जो मैंने नोटिस किया है कि जितना भी मैक्सिमम म्यूजिक बन रहा है वो इवनिंग और नाइट के लिए ही मैक्सिमम कंपोजिशंस बन रही हैं, अर्ली मॉर्निंग म्यूजिक नहीं बन रहा है, मतलब यार शायद हम सुन नहीं रहे हैं, बन रहा होगा पन्नू जी ऐसा नहीं हम आउटराइट डिनाई कर रहे, बट शायद जिस टाइप की म्यूजिक को प्रमोट एंड मार्केट किया जा रहा है शायद आप कहना चाह रहे होंगे कि वो इस तरीके का नहीं है क्योंकि बन रहा होगा, क्योंकि बहुत कंपोजर्स हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड इवन पूरे हमारे चंडीगढ़ ट्राइसिटी में बना रहे हैं म्यूजिक पर उनका म्यूजिक इस लेवल पे पॉपुलर नहीं हो रहा है। ये भी देखो समय की भी चाल रहती है, समय समय पे समय समय की चीज़ें समझ में भी आती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरे से ज़्यादा मेरा बच्चा जल्दी पिकअप करता है exactly. क्योंकि वो जब पैदा हुआ था तो यहाँ क्या उड़ रही हैं वाइब्रेशंस, इसकी जो रेज हैं सिग्नल है वो उसी में पैदा हुआ था, वो सिग्नल का वो उसके डीएनए में ही हो गया एक तरह का। तो हम किसानी टल्लियाँ बैलों की है ना पशु बुफेलोज उन सब में घूम रहे थे है ना, ऐसे पन्नू जी को खबरदार किसी ने ओल्ड स्कूल कहा तो वो ठीक है, लेकिन मेरे को तो वो म्यूजिक पसंद है जैसे प्यासा का गुरुदत्त वो गुजर गए है ना, वो जैसे तो मेरे बाप का जो फादर का देवानंद साहब का जो मैं था भी नहीं वो भी म्यूजिक क्योंकि वो उससे भी ऑथेंटिक है, उसमें मतलब वो पक्के राग हैं जो जिनको कोई छू भी नहीं सकता कि इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। अब तो फ्यूजन चल रहा है ना, हर चीज़ में फ्यूजन है, आप कपड़े देख लो लड़कियों की पर्सनालिटी देख लो, मैं तो ये तक सोच रहा हूँ कि आकार भी बदल रहे हैं, जिस्म के आकार बदल गए आप देखो, मैं देखता हूँ पहले मेरी बहनों माओं की यहाँ हमारी हीरोइन के यहाँ हिपस्टर होते थे अब नहीं होते हैं, मतलब कुदरती तौर पे हमारे हड्डियों के स्ट्रक्चर भी बदल गए हैं, और बड़ी मुश्किल से इनोसेंस ही देखने को कहीं मिलती है, वरना ऐसे झांक रहे हैं सब लोग, ऐसे देख रहे हैं जैसे जल्लाद हों, मेरी बेटी मेरे बच्चे ऐसे देखते हैं, देखो बाजार में
वो जो ऐसे होता था कि पता नहीं कोई घूंघट में है या कोई ऐसे, इनोसेंसी तो मिलती नहीं है, मतलब मेरे लिए इनोसेंसी ढूंढ लूँ ना कहीं देख लूँ, यार इनोसेंट भी होते थे लोग, शर्मा भी जाता है कोई यहाँ, शर्म है भी है? कोई उसको पोट्रे भी कर सकेगा? सीरी कहती है समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, वो देखो वो भी मान गई है, ऐसा है? कितने साल हो गए पहले दर्शकों को बताओ आपको एक्टिंग 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 एज अ प्रोफेशन परस्यू कर, बस यूं समझ लो कि 97 में मैंने बॉर्डर फिल्म की थी, 97 से अब 2021 लगा लो 24 साल हो गए पन्नू जी, उससे भी 4 साल पहले वो शूट हुई थी, 4 साल बाद में आई थी, और उससे पहले मैंने 4-5 साल थिएटर भी किया था। पन्नू जी का करियर 30+ ईयर्स का है, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एक्टर्स दैट आई हैव गॉट अ चांस टू वर्क विद, एंड मैं आपसे पन्नू जी का 84 का अनुभव भी शेयर करूंगा, पर पन्नू जी पहले अच्छे जो एक कलाकार की क्या खूबियां होती हैं वो बताएं आप। ये देखो जी, मेरी ज़िंदगी का कंसेप्ट है कि हम जीने आए हैं, अच्छे से जो जी ले वो अच्छा कलाकार, कलाकार तो एग्जीक्यूशन का है, ज़िंदगी को एग्जीक्यूट कर ले, फिल्म को भी कर लेंगे, जो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जी पाता, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, किसी आपके सामने नहीं कर पाता, तो लेंस के सामने भी क्या करेगा। तो सबसे पहले हर आदमी को अच्छा आदमी वो है, वो ही अच्छा कलाकार है, और उसके बाद की ये बातें हैं कि वो सीखता रहे सारी ज़िंदगी, सीखने का खिड़की खुली रखे, और बाकी का जो मिल गया उसको डिलीट करना जानता हो, निकलता रहे तभी आएगा भर भर के कहाँ, और जो उसको अच्छी बात समझ में आती है उसको फैलाए, वो अच्छा कलाकार है। ये नहीं कि सारी बुराइयाँ उधर स्ट्राइक होगी, वो मर गया, रेप हो गया, वो इकट्ठा करता रहे ना, उसको निकालना जाने, खुशबू, रंग, पहाड़ियाँ, अच्छी चीज़ें, नोटिस, वो भरे, और ड्रेन होता रहे, आता रहे, जाता रहे, जिंदगी चलती रहे, कुछ रुक ना जाए, वो अच्छा कलाकार। वही जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये एक्टर उस दौर में अच्छा था, आज की डेट में ये अप टू डेट नहीं है, तो यही वो कारण है कि बहुत लोग विद टाइम नहीं डेवलप कर पाते। एक तो पन्नू जी, मैं एज अ निर्देशक भी बता सकता हूँ कि पन्नू जी ने बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप लोगों को बताया कि अच्छे कलाकार की, एक्टर्स की क्या खूबी रहती है। मेरे हिसाब से अच्छा जो कलाकार है वो एक तो ओपन होना चाहिए, ओपन इन द सेंस कि कलाकार है ना, जिसे पेंट होता है, एक तो पेंट है उससे क्या बनेगा वो पेंट को पता नहीं होता, पर जो रंग है, जो विजुअल इम्पैक्ट है, वो पेंट का ही है इन दी एंड, या उस रंग का ही है, उसको बनाने वाला उसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है वो है। तो अच्छे कलाकारों में पन्नू जी की बहुत अच्छी खूबी मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या रही पन्नू जी की। पन्नू जी ये अपने आप को उन्होंने मुझे पूरा सरेंडर किया जब भी मैंने उनके साथ फिल्म्स की हैं, तो पन्नू जी ने मतलब सवाल बहुत जायज़ पूछे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं पूछे, और आई होप मैं उन्हें आंसर कर भी पाया हूँ हर बार, है ना। हाँ, अगर पिक्चर बन गई है तो फिर अब हाँ करके फायदा नहीं है, तो बन गई है ठीक है। दूसरा ये थोड़ा फ्लूइड होना चाहिए, पानी की तरह, जिसको कहते हैं ना पानी की तरह, और मैं कहता हूँ निर्देशक जो हैं वो हवा की तरह होने चाहिए, थोड़ा सा हमें माहौल भी बदलना पड़ता है, एकदम ही चीज़ें हो जाती हैं और आपको अडेप्ट करना पड़ता है, तो जिस भी आप उन्हें रोल में ढालो वो ढल जाते हैं, तो ये एक अच्छे कलाकार की बात है। लर्नड होना चाहिए, भाषा के प्रति एकदम अकड़े नहीं होने चाहिए कि मुझे आता ही है, मुझे आता ही हुआ है। जैसे पन्नू जी ने भी खास कहा कि आपको कंटिन्यूसली लर्न करते रहना चाहिए, कभी कभार आपके पास ऐसे बहुत अच्छे कैरेक्टर आ जाते हैं और आपको उन्हें छोड़ना पड़ता है क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो कभी कभार प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पाता है हर फिल्म के लिए, तो वो थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली इसलिए रीड करते रहो, एक्सपीरियंसेस लेते रहो, जैसे पन्नू जी ने कहा ना पहाड़ ये वो, अगर आपको शांति में बैठने की आदत ही नहीं तो जब कभी सीन करने को आएगा तब आप उसे इमेजिन कैसे करोगे। लोग पन्नू जी कैसे इमेजिन करते हैं, लोग फिल्में लिखने के प्रति भी और बनाने के प्रति भी मैंने देखा है कि वो लिखते भी देख देख के ही हैं, एक सीन ऐसा लिख दो, 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 तो इन्फ्लुएंस्ड राइटिंग लोग ज़्यादा करते हैं, कि इसलिए लोग सोचते हैं कि फिल्म बनाना बहुत आसान काम है। पन्नू जी आप थोड़ा लोगों को बताओ कि फिल्म मेकिंग का प्रोसेस
कितना आसान है, थोड़ा लोगों को ये बताओ चाहे आसान है कि नहीं है, वैसे मैंने गहरे शब्दों में कह दिया है बट आसान कितना है थोड़ा, चाहे दो मिनट की भी बनानी हो, हमने कैंपेन भी करना हो, चाहे आधे घंटे का बनाना हो, बताओ कितना आसान प्रोसेस है फिल्म मेकिंग का। तो मैं पहले भी शायद कई लोगों ने पूछा होगा कि आप एक्टिंग में हो, फिल्म में कैसे, मुझे भी ले लो, मुझे भी करना है, ऐसा करना है। तो ये मेरी नज़र में देखिए, हर एक का अपना अपना है ओपिनियन ज़िंदगी के बारे में, हर काम के बारे में। मेरे ओपिनियन में मेरी ज़िंदगी का ये सबसे मुश्किल काम है जो मैं 35-36 साल से ट्राई कर रहा हूँ इसको करने की, है ना। जैसे तरमपा जी कहते हैं ना कि डांस हमें नहीं आता तो हम डांस को पकड़ लेते हैं, तो मैं वो पकड़ने की कोशिश में हूँ इसको, इस काम को, मेरी पकड़ में अभी आया नहीं ये। मतलब किसी भी काम के लिए, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ग्रेजुएशन के लिए ही 16 साल तो निकल जाते हैं, और ये उससे बहुत बड़ा काम है। इसमें सितारे बन सकते हैं आप, इसमें जुआ है, इसमें पागल भी हो सकते हैं, इसमें बंगले हैं, इसमें पूरी दुनिया की यात्रा है, इसमें आप दिलों पर राज करते हैं। सितारा आप देखो कितना दूरी है, आदमी मर जाए इतनी दूर सितारा है, वो बन जाते हैं हम। सोना मतलब ब्यूटी स्टाइल कुछ भी कर सकते हैं आप, आधे खुदा हो जाते हैं। तो इतनी अचीवमेंट अगर करनी है तो आपको कितनी, मैं तो सोचता हूँ 5-10 जन्म मैं मेहनत करूँ, उसके बाद मुझे ये स्टारडम मिले तो शायद इतना समय तो जाएगा। लेकिन मैं फटाफट सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी जल्दी सीख लूँ, जितनी जल्दी समझ लूँ। लेकिन बीए के भी मैं फर्स्ट नहीं आया कभी भी, मतलब 16 साल पढ़ने के लिए भी, ना इंग्लिश में ना मैथ में। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बहुत है आता, बाकी ये काम क्योंकि रेंज ही नहीं है ना कोई। अब वो हिंदुस्तान में हो गया कि ये एंग्री यंग मैन है कोई, है किसी एक आदमी को कह दिया, उससे ज्यादा एंगर भी तो कोई लाएगा ना, है ना। तो किसी को ट्रेजडी किंग कह दिया यहाँ 1.5 अरब लोगों ने, उससे ज्यादा ट्रेजडी भी तो कोई ला सकता है, ट्रेजडी क्वीन भी आप जानते हैं किसी को कह दिया। तो रेंज बहुत है इमोशन की, है ना। कोई आप देखे कि मैं पंजाबियों की तरह मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दे, हाथ यहाँ भी आ जाएगा, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, हाथ पाँव तक चला जाता। तो रेंज है जो, ये तो मेरी अपनी थी रेंज, लोगों की कितनी रेंज हो सकती है और चाहने वालों की कितनी रेंज हो सकती है। तो हर काम में इतनी रेंज है, और जो टेक्निकली उसको पोर्ट्रे कर रहा है उसके लिए भी टेक्निकली उसको शूट करने की, पोर्ट्रे करने की रेंज है किसी के। वो कितनी रेंज है, 1000 फार्मूले हैं, किसी के पास 10 फार्मूले हैं, किसी के पास 11 हैं, किसी के पास 20 होंगे, है ना। कोई हॉलीवुड का होगा, जैसे कहते हैं कि स्पिलबर्ग के पास ज़्यादा फार्मूले हैं, तो रेंज है फार्मूलाज की। तो सारी रेंज सीखने के लिए मेरे पास तो, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि एक जन्म में ये काम मतलब सीखा जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करते। तो मतलब जिंदगी का सबसे टफ जॉब है टू एक्ट एंड टू मेक फिल्म्स। हाँ वही तो सारा ये जो प्रोफेशन है। तो मैं तो कई बार लोगों को ये कहता हूँ कि ये भूल जाओ यार, छोड़ दो, ये कपड़े की दुकान कर लो, कामयाब हो जाओगे जल्दी, मतलब वकालत में कामयाब हो जाओगे जल्दी, जज भी बन जाओगे, फैसले उल्टे पुल्टे भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ अगर फैसले उल्टे पुल्टे होंगे तो लोग भूल जाते हैं भाई, भूल जाओगे, दोबारा मौका दे ना दे। कितने सुपरस्टार आपके सामने अभी देखो खाली बैठे हैं किधर, है ना। और मैं बहुत पसंद करता हूँ सलमान खान साहब को, तो टीवी पे आई है फिल्म और पैसे भी पूरे नहीं हुए, मैंने खुद नहीं देखी टीवी पे, 250 में मिल रही थी। तो बहुत सारे उनके सीनियर देख लो कैसे घर पे बैठे हैं, तो इस बार भूल गए लोग तो भूल गए, तो बेकार भी हो जाओगे। इसलिए इस प्रोफेशन से बच के रहो या तो, या फिर सरेंडर कर दो अपने आप को कि बस ना मेरे में गुरूर है, ना ये है, ना वो है, ना मुझे कुछ आता है। जब आप ये मानेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता कुछ भी, तब एक आध चीज पल्ले पड़ सकती है, अदरवाइज ये वो समुंदर है जहां डूब के भी नहीं जाया जा सकता, इश्क से भी मुश्किल है बाबा। हाँ तो अनु जी, कोई एक डायलॉग आप हमारे दर्शकों को, अपना मनपसंद का एक कोई भी डायलॉग, एक लाइन, उसको 4-5 तरीकों से वेरिएट करके इमोशन को बता सकते हो। मतलब मैं दर्शकों को जानना चाहता हूँ कि एक एक्टर एक रोल के लिए कितना प्रिपेयर करते हैं और उन्हें एक कितने फॉर्म्स में वेरिएट कर सकते हैं, कोई भी दो लाइन है।
तो जैसे ओजस्वी क्या हाल है ऐसे ही पूछ लो, बस चार पांच छह तरीकों में पूछ लो कोई भी चीज मेरे बारे में। तो एक तो वेरिएशन वो जो मुझे पसंद है, एक वेरिएशन वो जो दुनिया को पसंद है, वो भी वेरिएशन है जो मेरे गुरु नानक साहब को पसंद है, कुछ उसको पसंद है। तो मुझे वो करना है जो डायरेक्टर को पसंद है, तभी वो काम देगा। तो उसकी पसंद का आप कैसे कर लोगे भाई, है ना? हम तो मुश्किल से अपने डैडी की पसंद का नहीं कर पाए। तो मतलब उसकी पसंद का करने की कोशिश है, और 100% में से मुझे लगता है कि हम 5-10% कुछ कर लेते हैं, उतने में ही फिल्म का मतलब चल जाता है, थोड़ा चल रहा है काम। बाकी मेरी नज़र में ये फिल्में इतनी सुंदर हो जाएंगी कि दिल के साथ धड़केंगे हम जब ये 100% हम इस काम को सीख जाएंगे या करने लग जाएंगे। तो हम ऐसे थिएटर में बैठ के ऐसे नहीं कि हम देख रहे हैं और ताली मार रहे हैं, हम वही हो जाएंगे और वो हम हो जाएंगे, तब मेल्ट होके चलेगा और इतना आनंद होगा। सच्ची बात ये बताऊं कि मैंने मोहब्बत करना ना मेरे बाप से, वो चोरी चोरी करते थे, माँ बाप को पता नहीं, मतलब ना कोई गली में गाने गाता था। मोहब्बत करना फिल्मों से सीखा, आंख मारना फिल्मों से सीखा, चोरी करनी फिल्मों से सीखी, बदला लेना मैंने ठाकुर से सीखा शोले के। चाहे बाजू नहीं भी हैं, किसी डाकू को हराया जा सकता है, कितनी मोटिवेशनल फिल्म है। तो गुस्सा करना एंग्री यंग मैन से सीखा, ट्रेजेडी किंग से दर्द को महसूस करना सीखा। यहाँ तो ड्रामा ही बहुत हो रहा था, जब कोई हमारा मेरा भाई मरा तो कोई ऐसे वो मकान आ रही है, कई बार तो ऐसा लगता था यार तू मासी नानी तेरे को काहे का दर्द, मेरा भाई मरा है। तो दर्द को एक्सप्रेस करना फिल्मों से सीखा मैंने, 90% जीना फिल्मों से सीखा। और मेरे गुरुओं ने कहा था सत्य बोलो, मैं नहीं बोल पाया। आज मैं ये कहता हूँ कि मैं सत्य बोल नहीं सकता, मैं दिमाग को प्योर नीयत कहीं बांध ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु की कोई बात मेरी समझ में आई नहीं, तो मेरी लाइफ तो फिल्मों पे ही डिपेंड है, फिल्मों से ही सीखा है। तो जैसे इन्होंने कहा कि एक बात को कैसे कैसे कहूँ, तो मेरे दिमाग में तो सारे वो एक्टर ही आ गए कि वो ऐसे कैसे कहेगा, कैसे हो ओजस्वी जी, है ना? ओजस्वी साहब कैसे हो? तो मैं सोच रहा हूँ जसवी अपना हाल बता दो। तो ये वो वेरिएशंस हैं जिनमें से मुझे पता है कि इस डायरेक्टर को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमें जितना वो जरा करके बताओ जो आपको लगता है कि मेरे को चाहिए होगा। नहीं मुझे नहीं मैं पता है क्या इनका भी ये रहता है कि हर प्लॉट के लिए अलग मौसम, अलग लाइटिंग, अलग मूड, है ना, अलग वॉइस टेक्सचर्स, अलग जेस्चर, अलग सारा ट्रीटमेंट अलग रहता है। तो इनकी कहानी की जो डिमांड रहती है वो इनको चाहिए होता है, और हर बार आपको भी अलग चाहिए होता है, हर बार इनको भी अलग ही चाहिए। अब जैसे इन्होंने कहा कि मेरे को क्या चाहिए, जैसा आपका 100 कहानियां 100 कहानी का करेक्टर अगर नेगेटिव भी है तो भी अलग ही हो। एक नेचुरल अगर मैं दे दूँ कि जैसे आप हो वैसे ही मिल लो, मैं बहुत नेचुरली देखता हूँ। तो नेचुरली तो मैं भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल हूँ, सीख रहे हैं बाबा। तो जैसे सर की हाल है थोड़ा, दैट्स इट, दैट्स वाई यू नो दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी। बिकॉज आपको कोई भी एक्टर मिलेंगे या पन्नू जी मिलेंगे, वो ऐसे ही पूछेंगे ओजस्वी जी की हाल है थोड़ा, है ना, और ऐसे तो नहीं ओजस्वी जी क्या हाल है आपका, ओजस्वी जी क्या हाल है आपका, ऐसे कोई नहीं करने वाला। बिकॉज यू व्हेन यू मीट एक्टर्स, जब आप कलाकारों को मिलते हैं, दे आर नॉट प्रिटेंडिंग, देन वो कोई आपके सामने एक्ट ही नहीं करने आए। वी आर फ्रेंड्स नाउ, वी हैव ग्रोन टुगेदर सिंस सो मेनी ईयर्स, आई अप्रिशिएट हिज वर्क, आई मीन दे वुड हैव सीन सम ऑफ माई वर्क, दे वुड हैव लाइक्ड सम ऑफ माई वर्क, दे वुड हैव डिसलाइक्ड सम ऑफ माई वर्क, बट स्टिल यू नो वी कंटिन्यू टू वर्क बिकॉज वी हैव अ कॉमन गोल, वी हैव वेरी 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 स्ट्रोंग कॉमन गोल्स, जिमें पंजाबी कहते हैं साढ़े जेडे गोल्स का, हूँ मैं की पंजाबी बोला, हमारा जो उद्देश्य है हिंदी में, है ना, वो बहुत सिमिलर है। टीचे कहते हैं, टीचे, टीचे, हाँ, वो बहुत सिमिलर है। तो ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। टीवी में सिनेमा में चूज़ करना हो तो क्या है आपके लिए? टीवी मतलब टीवी स्क्रीन, मतलब स्क्रीन कहेंगे हम, स्क्रीन अब ये भी है,
स्क्रीन और सिनेमा बिग स्क्रीन, व्हाट डू यू थिंक इज द, आपके लिए क्या किक है? मैं जिस वजह से इस लाइन में हूँ वो सिनेमा है। मैं सिनेमा जो बड़ी स्क्रीन पे, मतलब मेरी एक आंख पूरी स्क्रीन पे, मतलब कितनी बड़ी वॉल, उस पे मेरी एक आंख नाक या कोई एक एक्सप्रेशन आ जाता है तो वो टीवी पे छोटा हो जाता है। तो मैं बड़े होने का सपना देखता हूँ। मैं छोटा, उससे भी छोटा ये होता है, इससे तो मैं देख देख के, मतलब ये तो कितनी बीमारियां मोबाइल लगा देगा, आप देखेंगे आने वाले समय में। और सिनेमा में अगर ज्यादा ज्यादा लगा ही नहीं सकते आप, सब 3 घंटे में हो जाता है। तो ये छोटा है वो बड़ा है, तो मैं सपना तो कम से कम बड़ा ही देखूंगा। तो मुझे स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे ही मैं काम करना पसंद करता हूँ और मैं वेट भी करता हूँ उसका। वो अलग बात है कि टीवी घर घर जाता है, मैं घर घर भी नहीं जाना चाहता। मैं चंद लोगों को, चंद पलों को, चंद खास, वही थोड़ा सा, सब कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ा सा अच्छा कर लेना चाहता हूँ, बस इतना ही है। ऐसा ही वैसे टीवी की पकड़ तो बहुत दूर तक है, दूरदर्शन सारी दुनिया, मतलब हिंदुस्तान का दूरदर्शन सारी दुनिया से ज्यादा देखा जाता है। की सबसे खास अच्छी बात ये रहती है कि वो अपना काम करते हैं और वो सौंप देते हैं निर्माताओं के, निर्देशकों के हाथ में, फिर आगे उनके हाथों में बहुत बागडोर रहती है कि उनका ये फिल्म है या अगर उनका सीरियल है। अब देखिए, अगर कलाकार सीरियल कर रहे हैं तो सीरियल ने अधिकतम तो टीवी पे ही चलना है, उसकी कोई दोहराया नहीं है, ठीक है। अब चैनल्स के ही अपने OTT आ गए हैं जैसे, है ना, तो वो उस पर भी चलेंगे, तो वो इंटरनेट पे भी आ गए। अब फिल्म है तो फिल्म के पास चारों माध्यम है, थिएटर भी है, टीवी भी है, इंटरनेट भी है, तो वो अब आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह चलती हैं। जैसे कि या अगर सिनेमाघर खुले हैं तो पहली प्रक्रिया तो यही है कि सबसे पहले फिल्म थिएटर में लगेगी, फिर कुछ 1.5-2 महीने बाद वर्ल्ड टीवी राइट्स, उसके टेलीविजन सैटेलाइट राइट्स बिकते हैं, तो फिर सैटेलाइट मतलब टीवी पे भी आएगी वर्ल्ड टीवी प्रीमियर, और फिर OTT और इंटरनेट पे भी आ जाएगी। क्योंकि फिल्में अब नहीं वो आप सुनोगे कि 50 हफ्ते लगे रही, 25 हफ्ते लगे रही, अब 4-8 मैक्सिमम 12 हफ्ते की फिल्में देख के जाती है, क्योंकि फिल्में बहुत आ गई है ना, और थिएटर भी बहुत बन गए हैं। तो डिपेंड करते हैं पनु जी, और कुछों का बजट नहीं होता कि वो सिनेमा थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सैटेलाइट के कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली डिजिटल चले जाते हैं। तो कलाकार के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है, आप काम करें और अब आप उन पे छोड़े कि जहाँ देख रहे हैं दर्शक वहाँ आके आपको देखेंगे, आपके चाहने वाले, है ना सर? तो आप जब अपना कोई रोल या कोई भी स्क्रिप्ट या नरेशन कभी भी सुनते हैं तो आप उसमें अपने लिए सोल सेटिस्फाई करने के लिए क्या ढूंढते हैं? मोस्टली मैं यही सोचता रहता हूँ कि जब मेरी अपनी प्रोडक्शन होगी, मैं आप डायरेक्ट करूँगा, तो अपनी जो सारी इच्छाएं हैं कि ऐसे करना था वैसे करना था, वो सब मैं तब कर पाऊँगा, मैं समझता हूँ मुझे तभी करना चाहिए। अब वहाँ जाके मैं यही सोचता हूँ किसी के साथ जब काम करता हूँ कि मैं उसके हिसाब से कैसे सोचूँ इस करेक्टर के बारे में, तो मेरे सोचने का प्रोसेस मैं उस नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूँ कि बाकी मैं उसी में सेटिस्फाई हूँ, अगर मैं उसको सेटिस्फाई कर सका। मैं खुद को सेटिस्फाई अपने प्रोजेक्ट में करूँगा, है ना। मैं तो कई बार मतलब रो के भी सेटिस्फाई हो जाता हूँ, है ना, कई बार दान करके सेटिस्फाई हो जाता हूँ, कई बार अच्छे से पंजाबी में गाली देके भी मैं तो खुश हो जाता हूँ। तो मेरे सेटिस्फाई करने की वहाँ जाके ज़रूरत नहीं है ना, आपके घर में आके मैं अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहूँ वो मेरी गलती है, है ना। तो मैं वो अपने घर में खुद से कर लूँगा, मतलब मेरा घर मेरा दिमाग है, मैं वहाँ घूम लूँ नाच लूँगा। लेकिन वहाँ अगर किसी के सेट पर गए हैं तो उसी के नज़रिए से देखने की मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं वो देख पाया तो मैं सेटिस्फाई महसूस करता हूँ। आप एक निर्देशक में या जब भी आप ऑडिशन देने जाते हैं, जब भी आपके सामने स्क्रिप्ट आती है, तब आपकी उनके साथ क्या अपेक्षा रहती है? जैसे समझें कि मान लो मैं अगली स्क्रिप्ट लेके आपके पास आता हूँ, तो आपकी मेरे से क्या अपेक्षा रहेगी? फेथ रहता है या आप भी थोड़ा सा इस पॉइंट पे हैं कि कुछ लोगों के साथ आपका कंफर्ट जोन है और कुछ नए लोगों के साथ आप
थोड़ा सा अलग से परस्यू करते हैं इस चीज़ को, और क्या आप नए लोगों के साथ भी काम करना चाहते हैं, कैसा रहता है आपके साथ? मैं हर एक के साथ काम करना चाहता हूँ, और जैसे ओजस्वी सर हैं, इन क्लास के लोगों के साथ मुझे सोचने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। अदरवाइज़ जैसे अभी क्या ZTV, वहाँ जब जाता हूँ तो वहाँ मुझे रहता है कि मैं खुद ही कुछ अच्छा कर लूँ या खुद ही कपड़े देख लूँ, और वहाँ जो एडी भेडी वो अपने आप में ही इतने मतलब पागल हो जाते हैं कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब इतने प्रोजेक्ट में पागल हो जाते हैं कि हॉलीवुड की फिल्म में तो सोच लो आप क्या हो जाएगा उनका, मतलब वो कंटिन्यूटी नहीं देख पाएंगे कि इस सीन में क्या था, बायां था दायां था, वो नहीं देख पाएंगे। तो वहाँ मुझे ये सारे ख्याल रखने पड़ते हैं कि पिछले सीन में क्या था क्या था, वो मैं खुद ही देख लूँ तो अच्छा है, अदरवाइज़ वो बाद में वो देखेंगे और फिर वो करेंगे, काट ही देंगे मुझे, जो गलतियां होंगी उनको काट देंगे। तो बेहतर है कि मैं ही देखूं कि मैं ऐसे बैठा था या ऐसे बैठा था, दोबारा टेक हुआ जा, फिर क्या क्या बात किस मूड में बोला था, तो वो सारे टेंशन मुझे ही लेने पड़ते हैं मजबूरी में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अच्छे टेक्नीशियंस हैं तो आपको मस्ती से अपने मूड में, सिर्फ मूड का लेवल देख लो कि किस लेवल पे आप उसको कैरी कर रहे हो, करेक्टर को सस्टेन कर रहे हो, है ना। तो खाली वो मेरा काम रहता है, बाकी तो वो जो टेक्निकलिटीज़ हैं लोग देख लेंगे अगर अच्छे लोग हैं। वो कई जगह ये भी रहता है कि है ना, खुद ही ख्याल रखना पड़ता है कि यार कॉलर खड़े थे या बैठे थे, बाल इधर रखना पड़ता है आपको ना आपके साथ वही। चलो ठीक है सर, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि हमारी पूरी टीम भी एंड कैमरा और जितने भी लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट के जो इंचार्जेस हैं वो सारा अपना काम ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये साझा करना चाहता हूँ, मेरी कभी ऐसी औकात नहीं हुई कि मैं किसी को निर्देश दे सकूँ या किसी को एडवाइस कर सकूँ। मैं वो उस दिन मैं नहीं होऊंगा जिस दिन मैं किसी को भी, मेरे बच्चे को भी मैं एडवाइस अगर करूँ, मेरी लैंग्वेज में भी अगर आ गया कि मैं तुम्हें निर्देश कर रहा हूँ, तो मैं लैंग्वेज काट देना पसंद करता हूँ। मैं सिर्फ सीखने आया हूँ या देखने आया हूँ ये दुनिया इस जन्म में, मैं यहाँ किसी को निर्देश देने की स्थिति में कभी होता ही नहीं हूँ। वो दिन मेरे मरने के बाद का है जिस दिन मैं निर्देश दूंगा। पंजाबी च एक कहावत है पंजाबी में कि जैसी माँ वैसे बच्चे, सीधी सीधी बात है ना, जैसी कोको उदे कोको दे न्याणे, मतलब जैसे कैप्टन रहता है, मुखी रहता है जो लीड करता है, तो बाकी लोग उसके पीछे लग ही जाते हैं और वो अच्छा ही करते हैं अगर वो अच्छा करता है। अगर वो बेईमानी चोरी ठगी कैसे भी दिखावे से काम चलाना या पटाना चाहता है ना, काम पटाओ निपटाना, तो बाकी भी वैसे हो जाते हैं, और आपको पता ही होगा खरबूजा खरबूजे को देख के, है ना, तो वैसा ही रंग पकड़ लेते हैं। तो इनकी ऐसा ही है कि जैसे ये ध्यान से काम करते हैं तो आपके बेध्याने भी अगर होंगे तो मैं समझता हूँ, हालांकि है नहीं ऐसी कोई बात, तो वो भी ध्यान से ही, सब सारी टीम ध्यान से काम करती है। ये लाइन को रखा जाए और उसको बार बार रिपीट करके चलाया जाए। पन्नू जी, आपने जो इतने साल हमारे काम को एक बतौर एक बतौर कलाकार, आपने जो इतने साल लोगों को एंटरटेन किया है और इतने साल आपने रंगमंच भी किया है, थिएटर में भी किया है, मैंने एक सवाल पूछना चाह रहा था, रंगमंच में और फिल्मों में क्या आपको मेन मुख्य अंतर नज़र आया? इतने साल आपने थिएटर भी किया है, बहुत ही अंतर है, मतलब उल्टा पुल्टा ही है, इतना अंतर है जो अंतर को समझता है, अदरवाइज जो थोड़ा ही फर्क समझता है कि जीने मरने में क्या फर्क है यार, गर्मी सर्दी में क्या फर्क है। मैं उन लोगों की कदर करता हूँ जो फर्क समझते हैं, पांचों उंगलियों में इधर में है ना, मैं तो फर्क करता हूँ क्योंकि बनाने वाले ने मैं फर्क कर दिया मेरे में, आंखों में, DNA में, मेरे आधार कार्ड में फर्क आ गया यार। तो दोनों में इतना फर्क है कि थिएटर जो है वो फिजिकल है और जो सिनेमा है वो इमोशनल है, ये एक लाइन की बात हो गई। अब इसको विस्तार से कैसे भी बताने की जरूरत है नहीं। हाँ। फिजिकल है, मैं ऐसे थिएटर करता हूँ, देखने वाला मुझे बहुत दूर से देखता है, मेरी आंखों का रंग उसे नजर नहीं आता। ये सिनेमा जो है वो मैं उसको इसलिए ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि मेरी आंखों में जो रंग इमोशन है। हाँ, आज बात नहीं हुई मेरे लिए, हाँ मेरे लिए वो अच्छा एक्टर है जिसके सारे रंग आंखों में आते हैं। अगर उसको गुस्सा दिखाने के लिए यूं करना पड़ा या यूं करना पड़ा, मेरी नज़र में वो कुछ फिजिकल कर रहा है,
बाकी चीज उसकी आंखों में ही आनी चाहिए कि वो दया है, ध्यानी है, वीर वीर रस खेल रहा या जो भी है, जिसकी आंखों में नहीं आता वो फील नहीं कर रहा, वो ये बॉडी मिली है इसका दिखावा करते हैं, बॉडी ना रहे तो आप तो है ना कहीं, वो आप उसको अगर फील करते हैं तो वो आंखों में नजर आएगा। मेरा जो कलाकार है वो 95% सिर्फ आंखों पे डिपेंड करता है, तो बाकी 5 ये है वो तो थिएटर में सारा ये ही है। देखूंगी अगर आप सिनेमा, अगर आप कोई फिल्म देखते हैं और आप थिएटर देखते हैं तो थिएटर में ना आपको एट ऑल टाइम्स दर्शक सारे सारी तरफ बैठे हुए, अगर आप इस फ्रेम को देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे ऑडियंस बैठ जाती है एंड वो आप समझें कि एक पूरी फिल्म एक वाइड ब्लॉक में देख रहे हो। तो सारे एक्टर्स एंट्रीज एग्जिट्स आपको स्टेज की पीछे से आ रहे हैं, साइड से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, आता जाते सारे कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, चेंज ऑफ लोकेशन भी आपको इमेजिन करनी पड़ती है। फिल्म में यू आर देयर एट एवरी लोकेशन, राइट एट द लोकेशन, मतलब गाड़ी का सीन है तो आप एक्चुअल गाड़ी में बैठे हैं, तो यू डोंट हैव टू प्रटेंड कि आप कहीं बैठे हैं एंड देन यू हैव लॉट ऑफ ब्लॉक्स एंगल्स कैमराज, तो यू कैन लिमिट द बॉडी एक्शंस। नाउ आपको पता है कि आपका क्लोजअप लगा है, आपका एक्सट्रीम क्लोजअप लगा है, आपका मिड शॉट लगा है, क्यों बनू सर? बिल्कुल बिल्कुल। और थिएटर में अगेन आपके एक्सप्रेशंस आप इसलिए लाउड होते हैं क्योंकि आपका जो इमोशन है, ये जो आपका डायलॉग है वो टिल द लास्ट सीट सुनाई देना चाहिए, राइट? एंड वहाँ पर आप एक माहौल टेंस का हो या ह्यूमर का हो या ड्रामा का हो, ये कोर्ट रूम ड्रामा हो, कुछ भी सीक्वेंसेज हैं वो आपको वहीं क्रिएट करने हैं। प्लस सिनेमा में एवरी टाइम इन व्हेन वी मेक फिल्म्स, तो आई मीन वी हैव अ चैलेंज ऑफ गेटिंग एवरीथिंग राइट एंड परफेक्ट एवरी टाइम। कोर्टरूम ड्रामा है, ये है, वो है, यू नो, एरर्स की एक्सपेक्टेंसी घट जाती है बिकॉज मोर बजट इज इन्वॉल्व एंड मोर पीपल आर इन्वॉल्व ऑलवेज, मेकअप हर हर सीन से पहले डैप करना पड़ो, है ना सर? और थिएटर में आप कैसे, आप डायलॉग बोल रहे हो, आप एक घंटा मंच पे खड़े हो, एक बार जब मेकअप करके चढ़ गए बस उसी में उतरोगे। तो पर आपकी रोट मेमोरी जिसको कहते हैं ना कि आपको याददाश्त आपकी बड़ी उमदा होनी चाहिए व्हेन यू आर व्हेन यू हैव लर्नड ऑल द डायलॉग्स। द ब्यूटी, सबसे बड़ी चीज जो मैंने आइडेंटिफाई की है कि थिएटर से फिल्मों में आने में, वो ये है कि व्हेन पीपल कम फ्रॉम थिएटर दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लर्न, मतलब रोट मेमोरी, उनको याददाश्त उनकी ऑफ लर्निंग डायलॉग्स एट लेंथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिल्म में थोड़ा सा पोर्शन किया कट दूसरा ब्लॉक, थोड़ा सा पोर्शन किया कट दूसरा ब्लॉक, लॉन्गर सीक्वेंसेस, वन टेक सीक्वेंसेस बहुत कम फिल्मों में आते हैं। 84 में हमने लिए थे मनु जी, है ना? और तो उसमें हमें तजुर्बा बहुत काम आया कि लॉन्ग टेक वो वही एक्टर्स यूज कर सकते हैं जिन्हें अपने डायलॉग्स उतने लंबे याद रखने आते हों, मल्टीपल टाइम्स रिहर्सल है, फिल्मों के लिए रिहर्सल लोग कम करते हैं, होती नहीं तो सेट पे सुबह पहुंचते हैं, एक डायलॉग पकड़ाते हैं, ये बोलना है जी, अब वो जो आपके दिमाग में आएगा उस हिसाब से आप बोलेंगे। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि आपके पास प्रेप टाइम कितना है, आपका प्ले एरिया कितना है, कहीं आप आउट फोकस खड़े हैं, इन फोकस, स्टेज पे खड़े तो सारे ही इन फोकस हैं, क्यों पन्नू जी? बिल्कुल। जो कोई साइड में हवलदार भी खड़ा है, कांस्टेबल भी खड़ा है मेन पुलिस वाले के साथ, वो भी उतना ही टॉप टू बॉटम जूते तक नजर आ रहा है, लेकिन फिल्म में ब्लॉक पीछे खड़ा है, आउट फोकस है, इन फोकस है, शिफ्ट फोकस है, बहुत चीजें हैं। तो बहुत इट्स हमारी बातें, मुझे लगता है ऐसे रात हो जाएगी, हम दोपहर से शुरू किए थे, रात हो गई पन्नू जी, तो हमारी तो बातें यूं ही चलती रहेंगी। तो आपके इतने साल के अच्छे काम के लिए और आपने जो हमारे साथ इतने साल काम किया, आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स है पन्नू जी। तो ये मैं थोड़ा ब्राइटन कर दूँ फ्रेम को, और ये हमारी तरफ से हमारे पार्टनर्स एरोमा मस्क की तरफ से रंजीत पन्नू साहब के लिए गिफ्ट हैम्पर, एरोमा मस्क परफेक्टेड बाय नेचर फॉर रंजीत पन्नू जी। थैंक यू सर। और हमारे अगेन स्पॉन्सर्स एलिस्टोस की तरफ से रंजीत पन्नू जी के लिए एक और गिफ्ट जिसमें लिखा है, पन्नू जी इसको पढ़ के सुनाए दर्शकों को, एलिस्टोस का मंत्रा क्या है, चश्मा लगा लो और पढ़ के बताओ कि हमारे पार्टनर्स ने आपके लिए क्या लिख के भेजा है। अच्छा, ये देखो ऊपर, यू आर अ रॉक स्टार। थैंक्स। ठीक है जी, तो बस यूं ही मेरी और आपकी पन्नू जी की यही बातें, बस भी करो, सारे जनरेटर ही चलाओगे तो मशीन चला रहे हैं ये? हाँ, वो काट रहा होगा नीचे। अच्छा, तो यूं ही क्योंकि अंधेरे का वक्त होने लग गया है और मेरी और पन्नू जी की बातें चलती रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ रोलिंग फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट पे और देखते रहिए आरएफई अनप्लग्ड। मैं हूँ जसवी शर्मा और मेरे साथ हैं
रंजीत पन्नू, ठीक है जी, और आप हमें देखते रहिए रोलिंग फ्रेम एंटरटेनमेंट पर। बिल्कुल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।